हेलो दोस्तों स्वागत है आपका द विज़न यू पी चैनल में मेरा नाम है शिवम चहल दोस्तों हम लोग उत्तरी मैदान की नदियां कर चुके हैं आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां करेंगे जो पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं और पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं सबसे हम पहले हम पश्चिम की नदियों को करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पश्चिम की प्रभावित होने वाली नदियों में जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं नर्मदा ताप्ती शावरमती, माही और लूनी यहाँ आप मैप में देख सकते हैं ये नर्मदा है ये तापी है सबसे नीचे तापी है फिर नर्मदा है माही है शावरमती है और यहाँ पर ये लूनी है दोस्तों प्रादीपी भारत के जो नदियाँ पश्चिम में बहती हैं उन नदियों की लंबाई भी कम होती है और इधर बहने वाली नदियों की जो है संख्या भी कम है और एक खास बात और है कि जो प्रादीप भारत प्रादीप भारत की जो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं वो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं उसमें दो नदियां हैं तापी और नर्मदा ये ज्वार्भुक जो होता है वो वैसा डेल्टा बनाती हैं और इसका कारण ये है कि जो नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं जैसे नर्मदा और तापी हो गया ये कठोर चट्टानों से होके बहती हैं और इनमें इनके साथ गाद नहीं होता है तो इसकी वजह से नदियां डेल्टा नहीं बनाती दोस्तों सबसे पहले हम नर्मदा को देखेंगे नर्मदा एमपी में अमरकंटक से निकलती है और विंध्यांचल और सतपड़ा के बीच दरार में ये बहती है नर्मदा तीन राज्यों में बहती है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बहुत फेमस है जबलपुर में है वो और वो नर्मदा नदी पर ही है गुजरात में भरूच के पास ये अरब सागर में मिल जाती है जो महत्वपूर्ण बांध इसके ऊपर बने हैं सबसे पहले सरदार सरोवर यहाँ ये देखिए सरदार सरोवर है उसके बाद महेश्वर है ओंकारेश्वर है नर्मदा सागर तवा एक जो सहायक नदी है बांध भी बना हुआ है और एक नदी है बार की यहाँ पे तो ये डैम है आप यहाँ ध्यान रखना सरदार सरोवर महेश्वर ओंकारेश्वर और तबावी है और बारगी ये महत्वपूर्ण है और जो नर्मदा नदी जो है वो घाट नदी घाटी का निर्माण नहीं करती रिफ्ट वैली में रहती है दोस्तों तो यहाँ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये बांध इंपॉर्टेंट है ये पूछे जाते हैं ओंकारेश्वर बांध और तबा बांध तबा बांध तो पिछली बार पूछा है यूपी पीसीएस में तो ध्यान रखिए सरदार सरोवर ओंकारेश्वर महेश्वर और तवा दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदन और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है तो ध्यान रखना है बिंद्यन और सतपुड़ा के बीच नर्मदा बहती है ये नर्मदा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं तो देखिए हम पहले दाहिनी तरफ से जो सहायक नदियां वो देखेंगे देखिए एक नदी है हिरण जो दाई तरफ से इससे मिल रही है फिर कोलार वर्ना उरी और ये नदियां हैं जो इससे दाई तरफ से मिल रही हैं देखिए ओरांग ये है वर्ना यहाँ है कोलार यहां है हिरण यहाँ पर है तो ये दाइनी तरफ की नदियां हैं वाई तरफ से जो नदियां इससे मिलती हैं ये आपका वुडनेर हो गई बंजर शर नदी शक्कर नदी दूधी नदी तवा नदी और कुंडी नदी तो ये इसकी बाई तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं देखिए इसमें दाया बाया इसका ज्यादा नहीं पूछा जाता है ये तो यमुना में और गंगा में ब्रह्मपुत्र में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि सहायक नदियों के लिए कि ये नर्मदा की सहायक है या नहीं है तब आपको यहां ध्यान रखना है हिरण इंपॉर्टेंट है कोलार इंपॉर्टेंट है वर्ना इंपॉर्टेंट है और तवा नदी इंपॉर्टेंट है और बंजर इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान से करिए इस मैप को दोस्तों अगली जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है वो है ताप्ती ताप्ती पैतुल पठार से निकलती है सतपुड़ा के दक्षिण से देखिए यहाँ मैपिंग में देखते हैं ये सतपुड़ा की ही पहाड़ियाँ हैं राजपीपला गाविलगढ़ तो गाविलगढ़ के नॉर्थ से यानी कि उत्तर से उत्तर में जो बैतुल पठार है यहाँ से ताप्ती निकलती है और गाविलगढ़ के दक्षिण से एक नदी निकलती है पूर्णा नदी तो ये दोनों आगे जा मिल जाती हैं और आगे सूरत में जाके ये अरब की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं गल्फ ऑफ खम्बात में सॉरी यहाँ इस पर दो बांध बने हुए हैं काकड़ा पार और उकाई दोनों गुजरात में बने हुए हैं ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी की तरह एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात तीन स्टेट में बहती है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं पूर्णा नदी जो यहाँ दी हुई है एक और है गिरना बोरी पंजरा और ओनर दोस्तों अगली जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने नदियों में हैं वो है सारमती और माही सारमती राजस्थान के यहाँ रेवली रेंज है राजस्थान में उसमें उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से निकलती है सारमती और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं बाकल सेई और बातक अगला है माही जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये नदी गुजरात से बहते हुए यानी दो जगह बहती ये सॉरी माही जो है वो तीन स्टेट में बहती है मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात जबकि सारमती जो नदी है वो राजस्थान और गुजरात दो स्टेट में बहती है माही नदी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक कर्क रेखा को दो बार काटती है दुनिया में एकमात्र ये ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है इंपॉर्टेंट है ये नदी दोस्तों पश्चिम की प्रवाहित नदियों में दो और नदियां हैं मांडवी और ज्वारी दोनों नदी गोवा में बहती हैं ये मांडवी का और गोवा ज्वारी का दोनों का क्वेश्चन बन चुका है कि ये नदियां कहाँ बहती हैं किस तरफ बहती हैं तो ध्यान रखना दो नदियां हैं ये ज्वारी और मांडवी दोनों पश्चिम की तरफ बहती हैं दोस्तों अगली जो नदी है पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली उसमें सरावती नदी है कर्नाटक में बहती है ये नदी कर्नाटक के में एक डिस्ट्रिक्ट है सिमोगा वहाँ से ये नदी निकलती है इस नदी के ऊपर एक बहुत फेमस झरना है जोग या इसको सरगोप्पा भी बोलते हैं या इसका एक नाम और भी है महात्मा गांधी जल तो ये तीन नाम इसके हैं इम्पोर्टेंट है बहुत बार पूछा गया है सरावती नदी पर कौन सा झरना है तो आप ध्यान रखिए इसको दोस्तों अगली जो पश्चिम ओर प्रवाहित होने वाली नदी है उसमें है पेरियार और पंबा दोनों नदियाँ केरल में बहती हैं और जो पेरियार नदी है वो अन्ना मलाई पहाड़ियाँ जो हैं उनसे निकलकर बहती है और बेमना झील के यहाँ देखिए बेमना झील है ये यह, यहाँ पे इसके उत्तर में जाके मिल जाती है बेमना झील में झील भी क्वेश्चन आता रहता है बहुत बार कि झील कहाँ पे है तो ध्यान रखना केरल में ये झील है 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 पेरियार पे, पे एक बहुत फेमस डैम डैम बना हुआ इदुक्की और दूसरी नदी जो पम्बा नदी इलायची पहाड़ियों से निकलती है ये येमराथ के साउथ में जाके यानी कि दक्षिण में जाके ये मिल जाती है देखिए इंपॉर्टेंट ये अन्नामलाई पहाड़िया भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ है इलायची पहाड़ियों पे भी क्वेश्चन आता है तो इसकी लोकेशन है मैपिंग में आपको कराऊंगा बाद में वहां देख लेना अच्छे से फिलहाल पंबा नदी और प्रिया नदी को याद रखिए देखिए लोकेशन इस तरह सा है आप देखेंगे कि ये नदियां उल्टी एक तरह से दिखाई दे रहा है कि उल्टी बहती हैं ये नदियां तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको बहुत ध्यान से इस नदी का करना है कि कहां से निकलती है और कहाँ ये मौजूद पश्चिम की तरफ भी प्रवाहित होती है दोस्तों आगे क्वेश्चन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये इसमें है कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है जबकि अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं ऐसा क्यों है ऑप्शन है, है ये एक दरार घाटी है ये विंदना सतपुड़ा के बीच बहती है मध्य भारत से पश्चिम में भूमि ढलान है ये ऑप्शन है आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना होगा कि ऐसा क्यों है या इसका आंसर अं क्या है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम लोग पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों को कंप्लीट कर चुके हैं अब हम पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों को करेंगे दोस्तों पूर्व की और प्रवाहित होने वाली नदियों को मैं एक बार मोटा मोटी आपको दिखा देता हूं दामोदर बहती है साइड को रेखा महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी आप देख सकते हैं रेखा ये ये रेखा है उसके बाद ये महानदी यहाँ मिलती है फिर गोदावरी यहाँ मिलती है कृष्णा पेन्नार ऐसे करके ये इधर के जो नदियां बहती हैं यहां पर ये सबसे लास्ट में कावेरी है तो चलिए शुरू करते हैं आगे दोस्तों पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे पहले हम दामोदर को करेंगे दामोदर का जो निकलने का स्रोत है वो छोटा नागपुर पठार से ये नदी निकलती है उसकी जो सहायक नदी है बराकर कोनार जमुनिया और शाली नदी ये चार नदियां इसकी सहायक नदियां हैं इस पर ध्यान देना है कि मैथुन बांध और तिलैया बांध ये दोनों बांध जो हैं बराकर नदी पर बना हुआ है पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर बना हुआ है देखिए क्वेश्चन आया था पिछली बार मैच करने के लिए दे दिया था और उसमें पूछा था कि इसमें कौन सा गलत है तो ऑप्शन दे रखा था कि तिलैया नदी जो बांध तलैया जो बांध है वो दामोदर नदी पे बना हुआ है जबकि ये गलत है ये बराकर नदी पे बना हुआ है ये आया था पिछली बार तो आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कि मैथुन बांध तलेया बांध जो है बराकर नदी बना है पंचेत बांध दामोदर नदी पर है और इस नदी के जो किनारे जो शहर हैं वो बोकारो आशनशोल रानीगंज तो आपको ये देखना है कि यहाँ हम लोग मैपिंग में ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहाँ पे है ये देखिए यहाँ जो तिलैया बांध यहाँ पे है उसके बाद ये बराकर नदी जो बह रही है इस पर बना हुआ है और उसके बाद में आगे बराकर नदी बहती हुई यहाँ पर देखिए मैथुन बांध भी इस पर बना हुआ है आगे जाके ये जो है मिल जाती है दामोदर में और दामोदर नदी ये है ये ये जो है यह दामोदर नदी का है और यहाँ पर जो पंचेत हिल जो है पंचेत डैम जो है वो यहाँ पर बना हुआ है तो आप इसको देखना दोस्तों अगली जो नदियां हैं वो तीन नदियां हम देखते हैं पूर्व प्रायित होने वाली रेखा नदी ये झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा राज्य में बहती है और रांची पठार से निकलती है देखिए ये रांची का पठार है यहाँ से ये निकलती है झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीन राज्यों में रेखा बहती है देखिए कई बार क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये नदी इस राज्य में बहती है कि नहीं बहती है तो ध्यान रखना स्वर्णरेखा जो है झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा तीन राज्यों में बहती है रांची पठार रांची आप जानते हैं झारखंड में है उसके बाद दूसरी जो नदी है ब्राह्मणी नदी ब्राह्मणी नदी जो है दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी दो नदियों के मिलने से इसका निर्माण होता है ये ये नदी भी जो है निकलती है कहाँ से रांची पठार से ही निकलती है और आगे जाके ये नदी ब्राह्मणी बन जाती है दक्षिण कोयल प्लस शंख नदी याद रखना है दक्षिण कोयल और शंख नदी दोनों मिलती हैं उसके बाद ये आगे जाके ब्राह्मणी कहलाती है अगली जो नदी है बैतर्णी पैतर्णी नदी जो है वो गर्जाथिल से निकलती है जो ये उड़ीसा में और ये नदी जो है उड़ीसा में ही बहती है दोस्तों अगली जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है महानदी महानदी छत्तीसगढ़ के दनकार से निकलती है और ये दो स्टेट में बहती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा महानदी में यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ जो बाएं से इसकी जो नदियां मिलती हैं वो देखिए ये रहा ये मा नदी यहां से निकलती है और इसके बाद जो इसके जो बाएं से जो नदियां मिलती हैं शिवनाथ एक नदी है उसके बाद हसदो और मंड ये तीन सहायक नदियां हैं शिवनाथ हसदो और मंड अगर हम दाइनी तरफ से देखें तो दो नदियां से मिल तीन नदियां से मिलती हैं एक लोकेशन इसमें नहीं दे पाया मैं ओंग तेल और जोंक ओंग और तेल और जोंक इंपॉर्टेंट नदियां हैं तीनों ओंग तेल जोंक या एक साथ या आप याद रखिए तो एकदम ये रट जाएगा आपको कि ये महानदी की है ओंग तेल जोंक और ऊपर जो है शिवनाथ हसदो मंड एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ लोकेशन नहीं दिया आईबी एक इसकी सहायक नदी तो है तो अजीब नाम है ये इसलिए अजीब नाम वैसे ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं दूसरा ये है कि जो मण नदी मिलने के बाद में महानदी पर एक बांध बना हुआ है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है तो ध्यान रखिए हीरा कुंड बांध महानदी पर बना हुआ है दोस्तों प्रायदीप भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है गोदावरी गोदावरी महाराष्ट्र में त्रियम्बक से निकलती है और गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है देखिए दो नदियां हैं गोदावरी और कावेरी दोनों को दक्षिण की गंगा कहा जाता है यूपी पी ने दोनों के आंसर माने हैं कभी उसको गोदावरी आंसर माना है तो कभी कावेरी आंसर माना है एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं हालांकि आयोग इस डिफरेंस पे नहीं जाता है वो उसका मन है जिसको चाहे आंसर मानता है लेकिन एक डिफरेंस मैं बता दू कि गोदावरी जो नदी है वो अपनी लंबाई की वजह से दक्षिण की गंगा कहलाती है मतलब उसका जो बाव क्षेत्र है उसकी जो लंबाई है बहुत ज्यादा है सबसे ज्यादा है प्रायदीपी भारत की नदियों में इसलिए उसको दक्षिण की गंगा कहते हैं दूसरा कावेरी को क्यों कहा जाता है उसका जो वजह है वो कावेरी में जब पढ़ाऊंगा अभी तब कावेरी में बताऊंगा फिलहाल हम अभी गोदावरी को देखते हैं तो इसमें जो नदियां मिलती हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदियां बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं बाई तरफ से जो नदियां मिलती हैं इसमें पैनगंगा बैनगंगा पैनगंगा बैनगंगा एक साथ रखिए आप याद इसके बाद फिर बड़दा और इंद्रावती शबरी और शिलेरू ये देखिए ये गोदावरी नदी है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पेनगंगा वर्दा वेनगंगा इंद्रावती शबरी और शिलेरू ये दोनों ये सारी नदियाँ जो हैं बाई तरफ से मिलती हैं और दाई तरफ से जो एकमात्र नदी मिलती है उसका नाम है मंजरा और महाराष्ट्र तेलंगाना छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी ये स्टेट में आता है ये नम, इसलिए यहाँ पे तो एक दो तीन चार चार स्टेट में यह नदी बहती है बहुत महत्वपूर्ण है गोदावरी नदी अगला हम देखेंगे पोचम पाद बांध इसको श्रीराम बांध भी बोलते हैं और रामगुंडम और दमगुंडेन तीन बांध तीनों महत्वपूर्ण हैं बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यादि पोचम पाद की जगह श्रीराम सागर बांध भी दे सकता है तो पोचम पाद बांध रामगुंडम और दमगुंडेन ये तीन बांध गोदावरी नदी पर बने हुए हैं दोस्तों पूर्व की ओर प्रावित होने वाली नदियों में अगली जो नदी है वो है कृष्णा कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और इसका जो भाव क्षेत्र है महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश चार स्टेट हैं देखिए महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश अब कौन सा स्टेट अलग हो गया है गोदावरी और इसमें वो आपको ध्यान रखना है कन्फ्यूज नहीं करना है स्टेट इसके याद रखने अभी क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन क्वेश्चन पूछा सकता है कि कृष्णा नदी किन किन स्टेट होकर बहती है बाई तरफ से जो नदियां मिलती हैं मूसी शीना और भीमा ये देखिए शीना भीमा और मूसी जो मिलती हैं वो बाई तरफ से मिलती हैं कृष्णा नदी में और दाई तरफ से जो मिलती है मालप्रवाह घाट प्रवाह तुंग भद्रा और हैगरी मालप्रवा घाटप्रभा तुंग भद्रा और हैगरी जो है इसमें दाई तरफ से मिलती है मूसी इंपॉर्टेंट इसलिए मूसी के किनारे ही हैदराबाद शहर बसा हुआ है इस पर जो बांध है इंपॉर्टेंट श्री सैलम बांध अलमट्टी बांध नागार्जुन सागर बांध इसके बाद भी बहुत महत्वपूर्ण है बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है एक क्वेश्चन बताया था मैं आपको बता दू नागार्जुन सागर बांध एक क्वेश्चन आया था कि मतलब मैच करना था उसमें भी नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पे बना हुआ है जबकि वो गलत है नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे बना हुआ है तो यहाँ याद रखना अलमट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बांध और इसकी सहायक नदियाँ दाई तरफ से मिलने वाली नदियों में घाट प्रवाह मालप्रवाह तुंगभद्रा ये है कर, याद करके आप याद रख सकते हैं बाई तरफ से वाली नदियों में भी मूशी शीना भीमा कभी भी जब नदियों के जो नाम आप याद करें ना एक किसी की सहायक नदियां हो तो उनको एक फ्लो में याद करें तीन चार नदियों के साथ एक साथ एक साथ कई बार बोले उन नदियों को तो इससे क्या होगा कि जब भी कभी ऑप्शन आता है ना तो एकदम क्लिक करती है चीजें कि हाँ ये थोड़ा मैच कर रहा है मैंने पढ़ा था तो ये इस तरह से हेल्प मिलती है तो आप इस पर मेहनत कर सकते हैं दोस्तों पूर्व की और बने नदियों में एक अगली जो नदी है वो है पेन्नार कर्नाटक के नंदी दुर्ग से ये निकलती है और कर्नाटक आंध्र होती हुई ये समुद्र में जाके गिर जाती है देखिए क्वेश्चन पेन्नार को हमेशा दिया जाता है कि पेन्नार सहायक नदी है इसकी तो इंपॉर्टेंट है पेन्नार किसी की सहायक नदी है इंडिपेंडेंट नदी है सहायक नदी किसी की नहीं है वो तो सहायक नदी बनके ही क्वेश्चन दिया जाता है पेन्नार के ऊपर तो ये इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है कावेरी कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक में जो है वहाँ से निकलती है और मैंने जैसे बताया था आपको कि कावेरी को दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं उसकी वजह ये है कि जो इसका कावेरी का जो उत्तरी भाग है जैसे यहाँ तक मान लीजिए जैसे भवानी का जो मिलती है इसमें तबका जो भाग है वो भारत में जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उससे पानी ग्रहण मतलब जल ग्रहण करती है जब वर्षा होती है तो उसके बाद जब भारत में जिसको लौटता हुआ मानसून भारत में बोला जाता है उत्तर पूर्व मानसून उसके बाद गर्मियों में तो देखिए आपको यहां तक दक्षिण पश्चिम मानसून से ये नदी पानी प्राप्त जल प्राप्त कर लेती है वर्षा के द्वारा उसके बाद लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्व मानसून से ये दक्षिण वाले भाग में पानी जो है प्राप्त करती है इसलिए ये नदी बारो मास जल प्राप्त कर पाती है जिसकी वजह से ये बारो मास बहती भी है तो इसको एक तरह से बारहमासी दक्षिण की बारोमासी नदी भी इसको कहा जाता है तो इसलिए इसको इसकी मतलब बारह मास जो है बारह महीने तक जल की प्राप्ति होना क्योंकि प्रायदी भी है भारत की नदी में तो इसलिए इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा तो आप डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा लेकिन आयोग इसका क्या आंसर मानता है वो आयोग के ऊपर है वो कभी भी ऐसे नहीं पूछता है कि लंबाई के हिसाब से दक्षिण की गंगा कौन है और जल ग्रहण क्षमता के हिसाब से दक्षिण की गंगा कौन है तो ये आपको खुद ही करना होगा अब देखते हैं इसकी सहायक नदियों में सहायक नदियों में इसमें जो दाई तरफ से जो नदियां जो इसमें मिलती हैं वो है काविनी सबसे पहले काविनी काविनी भवानी नोइल और अमरावती अमरावती बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्वेश्चन आता है कि अमरावती किसकी सहायक नदी है तो काविनी भवानी नोइल और अमरावती एक फ्लो में आप याद रखिए काविनी भवानी नोइल और अमरावती उसकी तरफ तो बाएं तरफ से जो मिलती है वो है हेमबती और शिमशा पहली नदी हेमबती है दूसरी शिमशा है इंपॉर्टेंट है इस पे शिव समुंदरम जो शिव समुंदर जो झरना है वो कावेरी नदी पर है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि शिव समुंदर झरना किस पे है दूसरा है मेटूर बांध मेटूर बांध कावेरी नदी पे है तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है दोस्तों अगली जो नदी है वो है वैगई वैगई वरण चंदु पहाड़ी है तमिलनाडु में वहां से ये नदी निकलती है इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जो मदुरई एक बहुत एंशियंट टाइम बहुत पुराना शहर है तो वो किनारे है वैगई नदी के तो कभी ये पूछा सकता है दूसरा ये इसलिए भी सकते हैं कि वैगई नदी बहती है तो तमिलनाडु में बहती है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन और है इसमें आपको बताना है कि दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का सही क्रम ये जो क्रम है वो आपको नॉर्थ से साउथ करना है और उसके हिसाब से आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो क्रम है वो एकदम सही है दोस्तों जो प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली और हिमालयी नदी प्रणाली है उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो हिमालयी नदियों से ज्यादा पुरानी हो ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मतलब कभी दे देगा सही है या गलत है वर्ड मतलब जो दे रखा होगा पैराग्राफ ये पैराग्राफ सही है या गलत है तो याद रखना है प्रादीपी नदियाँ हिमालय नदियों से ज़्यादा पुरानी होती हैं दूसरा है, है प्रादीपी जो नदी प्रणाली है वो सेलो वैली बनाती हैं बहुत छिछली वैली बनती हैं जबकि जो हिमालय नदियाँ हैं वो बी सेफ्ट वैली बनाती हैं उसकी वजह ये है कि हिमालय जो है लगातार ऊपर उठ रहा है और हिमालय नदियों में जल ग्रहण क्षमता भी ज़्यादा होती है और वो प्रेशर करती हैं नीचे के लिए इसलिए वी सेफ आकार जो है बनता चला जा रहा है अभी भी हिमालय की जो है ऊंचाई बढ़ रही है अगला है प्रादीपी जो नदियों में कुछ नदी हैं जैसे नर्मदा है और तापीती है ये दोनों जरान डेल्टा का निर्माण करती हैं और महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जैसी नदियां हैं जो वो है डेल्टा बनाती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिम की तरफ बह रही हैं वो डेल्टा नहीं बनाती जो आरानबु डेल्टा बनाती हैं और जो पश्चिम की तरफ बहती हैं वो नदी डेल्टा का निर्माण कर रही है वही जो हिमालय नदियां हैं वो सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं हिमालय की नदियों में बारहमासी नदियां होती हैं ये भर पानी रहता है और जो प्रादीपी भारत की जो नदियां हैं वो वर्षा के समय ही इनको पानी प्राप्त होता है बारहमासी नदी नहीं बहती हैं कावेरी एक थोड़ा उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी कावेरी के साथ ऐसा क्यों है और दूसरा ये है कि जो प्रदीप भारत की नदियाँ होती हैं उनकी जो घाटी होती है बहुत छोटी होती है जल ग्रहण क्षमता भी कम होती है लेकिन जहाँ हिमालय नदियों की बात करें तो उनकी नदी घाटियाँ जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं और उनका जल ग्रहण क्षमता भी उनकी कहीं ज़्यादा होती है दोस्तों आज हम लोग भारतीय नदियों को कंप्लीट कर चुके हैं जोग्राफ़ी के बाकी जो और चैप्टर हैं वो मैं अब उस पर करना शुरू करूँगा मैं अगले जो चैप्टर है मेरा दर्रों का दर्रों को मैं देखूँगा लोकेशन उनका बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पे कौन सा दर्रा है आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें आप लोग और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आप ये वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं थैंक यू